जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उन सभी की नेक्स्ट डेट 25 अगस्त हाई कोर्ट ने दे दी है। और मैं इस निर्णय की हाई कोर्ट की निंदा करता हूं। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला जो निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है वो सरासर गलत है। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, जल्दी ही आप जाओ हाई कोर्ट में, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये 1 महीना और 5 दिन आगे की तारीख देना, ये कौन सा न्याय है? एक तो पहले ही सरकार ने इन युवाओं के 2 साल बर्बाद कर दिए ड्यू टू कोविड करके कि अगले महीने पेपर होंगे, अगले महीने आपकी ज्वाइनिंग होगी। इस तरह 2 साल तो सरकार ने बर्बाद कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, हाई कोर्ट क्या चाहता है कि और इनके साल 2 साल बर्बाद हो? ये मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजिस ऑफ इंडिया से, हाई कोर्ट के जो जजिस साहब हैं उनसे है कि आपने ये कौन सा ड्रामा खेला है, क्या चाहते हो? लोकतंत्र में न्यायपालिका पर लोग विश्वास करें या नहीं करें? हमें विश्वास था जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जल्द जल्द सुनवाई की। हमें कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सारे चीज बुला लेते हैं, लेकिन फिर घूम फिर कर सॉलिसिटर जनरल की सुनी गई। मैं आज सॉलिसिटर जो जनरल है सरकार से, उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे, राजनाथ जी से और मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपके सेना अध्यक्षों से पूछना चाहता हूं। एक तरफ तो कहते हो कि हमारी 2 साल की तैयारी थी, आपके पास पूरे पूरे न्यूज में देने के लिए जवाब है, और एक आपका सॉलिसिटर जनरल कहता है कि मेरे पास जवाब नहीं है, हमें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की इस स्कीम में कमी थी और कमी है। जो 4 हफ्ते अभी मांग रहे हैं जवाब के लिए, ये क्वेश्चन एक तरह का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सरकार की स्कीम में कमी है, जिसे 4 हफ्ते चाहिए जवाब फाइल करने में। और फिर वो कोर्ट जो सिर्फ सरकार की सुन रहा है। मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूं, माननीय न्यायाधीश महोदय, एक तो पहले ही 2 लाख युवा पीड़ित है जिनके पुराने आर्मी एग्जाम बाकी हैं, जिनके एयरफोर्स ज्वाइनिंग बाकी है, जिनकी उम्र सीमा निकल चुकी है। एक दूसरी तरफ इसी 24 जुलाई को इनका एयरफोर्स का नया एक टेस्ट करवाया जा रहा है। उसके बाद आगामी अगस्त में लगातार भर्तियां हैं, जो आपने डेट दी उससे पहले बहुत सारी भर्तियां हो जाएंगी। अगर खुदा ने खास्ता फैसला आप हमारे हक में भी देते हो तो इनका क्या होगा, यह आपने सोचा? या और युवाओं का आप इसमें समय घोलकर फिर इन लोगों को वो करना चाहते हो? क्या होगा उन युवाओं का, क्या होगा उन अगले जो ये बीच में टेस्ट हो जाएंगे, इसमें आप और न्याय प्रक्रिया को लंबा करना चाहते हो? ये सरासर गलत है। मैं अपील करना चाहता हूं न्यायाधीश महोदय से कि हम बड़ी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अगर 5 हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था तो आपको पता है कितना बड़ा मामला था, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए थी। मैंने वहां खूब कहा, मैं उनसे गुस्सा भी हुआ, लेकिन नहीं जी, हाई कोर्ट न्याय करेगा। ये न्याय है हाई कोर्ट का कि मैंने 5 दिन बाद की तारीख दे रहे हैं? क्या सरकार को 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का टाइम देकर नहीं पहुंच सकते थे, या जवाब नहीं मांग सकते थे 3 दिन के अंदर? दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़े उसमें लिख दिया। आज के किस युग में जी रहे हैं न्यायाधीश महोदय? न्यायाधीश महोदय ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो उनकी बगल में ही है, जहां से मैं कल गाड़ी पार्किंग करके और दौड़कर पैदल आ गया था, वहां से अभी तक इनकी डाक नहीं पूछी। कहते हैं कि हमारे पास वो कॉफी नहीं आई है, और बाहर से पंजाब से आनी है, उत्तराखंड से आनी है। क्या पैदल बंदा लेके आया गया? क्या आपने 35 दिन का समय दिया है? आज हमें इस भारत, डिजिटल भारत में डूब के मरने का एक ऐसा लग रहा है कि हम इसमें डूब के मर जाएं। डिजिटल इंडिया होते हुए आप कहते हो क्या मेल नहीं मंगा सकते थे? आप ऑर्डर ये नहीं दे सकते थे कि 3 दिन के अंदर सारी की सारी चीजें हमारे पास आए और हम 3 दिन में फैसला देंगे, 2 दिन में फैसला देंगे? बस वही इतिहास दोहरा दिया गया कि तारीख पे तारीख, पहले ही 2 लाख पेंडिंग है और भर्ती प्रक्रिया में लोग शामिल हो जाएंगे, फिर या तो उनके साथ अन्याय होगा या इनके साथ अन्याय होगा, और इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। मैं आज युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज कहूंगा कि अब हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, वो आप लोग तय करोगे, सोच समझ कर जवाब दोगे। पहला तो ये कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट या इन हाई कोर्ट में अर्जेंट रिट लगाकर
कहें कि जितना आपने एक महीने का समय दिया है तो एक महीने सारी की सारी बर्तियां स्टे करो। क्यों नहीं कर रहे भाई आप उन बर्तियों को स्टे करो ना, जब जितने भी पहले जितने भी नियम कानून जितने भी चीजें गई हैं उनमें यह हुआ है। माननीय न्यायाधीश महोदय, जब आप 226 आर्टिकल का वो दे रहे हैं कि जब 5 से ज्यादा हाई कोर्ट में ऐसा मामला हो और सुप्रीम कोर्ट में हो तो उसकी एक जगह सुनवाई होनी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती थी। अब उस आर्टिकल का हवाला देते हो तो इससे पहले बहुत से ऐसे चीजें हैं जो 5 या 7 या 10 हाई कोर्टों में लगी थी और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में ही हुआ है। तो यहां भी आप क्या चाहते हो कि पहले युवा एक महीने से इंतजार करें, फिर उसको और लंबा टाइम दिया जाए और फिर सरकार उस मामले को आपके पास लेके आए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो? क्या सोच रहे हो, ये न्याय पाने वाले लोग कोई टाटा बिड़ला की औलाद हैं या कोई ये बड़े अफसरों की औलाद हैं? ये हमारे जैसे किसान जवान और गरीब के बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप ने आधी आधी रोटी खाकर इनको पढ़ा लिखा कर वहां तक भेजा है। न्याय के लिए ये चंदा इकट्ठा करके आप तक पहुंचे थे कि आप न्याय दोगे, और आपने क्या किया, एक तारीख और दे दी, पहले हाई कोर्ट में जाओ, अब हाई कोर्ट ने एक महीने की तारीख दे दी, फिर अगर और न्याय होगा तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, फिर हमें आपके पास आना पड़ेगा। आप क्यों इतनी लंबी प्रक्रिया आज इस युग में कहते हो कि हम न्याय करेंगे? एक तरफ मैंने इतने वो पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है, तो आप तो जानबूझकर आप देरी कर रहे हो। तो मैं इनको तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं हमारे साथियों से कहना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाओ, या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोबारा रिव्यू, चाहे तो इनको अर्जेंट रिट लगाकर जल्दी सुनवाई के लिए कहें हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट को ही स्टे के लिए कहें, या फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहें, चाहे हमारे को फटकार लगे, चाहे जूते लगे, जुर्माना लगे, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर इन प्रक्रियाओं से नहीं हुआ तो फिर एक ही रास्ता है, आंदोलन। आंदोलन होगा वो चाहे अनशन हो, चाहे बैठकर धरना हो, चाहे भूख हड़ताल हो, वो आप लोग तय करोगे। अगर इन चीजों से भी सरकार पर फर्क नहीं पड़ता है और बिल्कुल तानाशाही सरकार है, तो आगे आने वाले इलेक्शन में जहां भी इलेक्शन होंगे, मैं वादा करता हूं बीजेपी के अलावा फिर चाहे कहीं भी किसी को भी वोट डलवाना पड़े, इन युवाओं को इकट्ठा कर जहां भी, चाहे आगामी गुजरात चुनाव हो, चाहे 2024 के चुनाव हो, इन 2 लाख युवाओं में से मैं नहीं कहता कि सारे आ जाएंगे, लेकिन 10,000 50,000 भी होंगे तो 50,000 को साथ लेकर इनके खिलाफ प्रचार करेंगे और इनकी जो भी कुर्सी है उस कुर्सी को हिलाएंगे। बस मेरा आज इतना ही कहना है। आप लोग अपने जवाब सबमिट करो, जो मेरा नंबर है 8295345413, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, चाहे तो इस व्हाट्सअप पर करो या इसी में कमेंट्स करके कि आप लोग क्या चाहते हो। यहाँ याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक फौजी हूँ, अगर मैं कदम बढ़ा दूंगा तो पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे मौत सामने दिखाई दे। वही आदमी भगत सिंह की तरह कफन बांध कर मेरे साथ उतरेंगे कि हाँ, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े करेंगे, तो वो लोग तैयार रहें और मुझे इस पर अपना नंबर देकर सिर्फ इतना ही बोले। मैं फिर कह रहा हूँ, बाकी अभी तक मैंने कहा था कि फार्म मत भरो, ये मत भरो, जिन लोगों की उम्र बची हुई है, जो फार्म भरना चाहते हैं, जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, भाई साहब आप जाओ फार्म भरो। मुझे पता है कि आप के परिवार हैं, आपके सबके कोई के माँ बाप हैं और आपकी ज़िंदगी है, लेकिन जो बिल्कुल इससे लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है, वो लोग मुझे सिर्फ फ़ोन करेंगे और वही कॉमेंट्स करेंगे कि सर हम हर लड़ाई में आपके साथ हैं, चाहे कैसी भी लड़ाई लड़नी पड़े, तो वही लोग फ़ोन करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि दूसरा आदमी मेरे को ये चिप वचिप बातें ना, सर हो सकता है कि नहीं है, करने की हिम्मत रखोगे ना कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो होगा, लेकिन घर बैठ कर दुबक कर रिजाई में बहन जो कुछ भी नहीं करना और फिर फोन करना और हमारा समय बर्बाद करना, वो लोग हमें नहीं चाहिए। अगर मेरी ये 3-4 बातों में से आपको क्या पसंद है, फोन करके कि हाँ सर हम इस तरह की चीज़ के लिए तैयार हैं या सारी के लिए तैयार हैं, तो मुझे फोन करना और मैं वादा करता हूँ कि हम सरकार को धकेलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।